स्टडी है, उसमें उसको आप एक दो लाइन या छोटे से पैराग्राफ में समराइज करोगे कि दिस दिस इज द फैक्ट, देन यू विल टेल कि व्हाट आर द इश्यूज, कि इस क्वेश्चन में क्या एथिकल डायलेमा है, क्या हमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ रूल्स फॉलो करने हैं या कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी को ग्रांट दे देनी है. तो आपका हो जाएगा कंपैशन वर्सेस योर रूल ऑफ लॉ, या फिर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल इंटीग्रिटी, कि इसमें आप रूल तो तोड़ रहे हो, उससे आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन फिर आप अपने जो कंपैशनेट ग्राउंड पे जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते, एंड यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड विद योर एक्शन. ठीक है, फिर इसमें आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें आएंगी, यानी अगर उस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन देम, तो उसमें आप वो एक्सप्लेन करोगे. ऑप्शंस में यू विल गिव 1, 2, 3, या जिसमें ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसमें उतने दोगे, कि मे बी ग्रांट कर देते हैं, एक्सेप्शनल बना देते हैं, या फिर नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी आपके एक्शन है, साथ में उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इफ दे आर आस्किंग, एंड देन योर बेस्ट वे फॉरवर्ड, कि क्या आपको स्टेप लेना है वो आप क्लियरली लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि उनको घुमा दो, इतना डायलेमा बता दो कि एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा कि व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से, व्हाट डिसीजन इज गोइंग टू टेक, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर राइटिंग अ पेपर टू एडमिनिस्टर, फाइन, टू फॉर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी. सो इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, how are you addressing that case study, how are you addressing that problem, so clearly identify, clearly write ki what is your recommendation to the problem, and then you conclude your answer. isme ye maine ek case study discuss karke uske parts discuss kare hain. usually kya hota hai case studies mein, aapke questions 1, 2, 3, 4 karke puche hue hote hain, to aap unko bhi clearly likhoge ki answer 1 ka part 1, answer 2 ka part 2, 3, और यूजुअली इसी फॉर्मेट में आंसर आंसर किया जाता है क्वेश्चन को. तो दिस वाज द मेन इश्यूज बिफोर बिफोर कमिंग टू द सिलेबस, और बाकी चीजें साथ साथ हम बताते रहेंगे. मेन आपके स्कॉलर्स हो गए, थ्योरीज हो गई, जो भी यूटिलिटेरियन है, ठीक है, इसमें जो भी थिंकर्स ने कुछ और बात बोली है, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, आपका मिल की यूटिलिटेरियन, और जो पहले यूटिलिटेरियन खुद कैसे बेंथम से मिल तक वो इवॉल्व हुआ, क्या उसमें चेंजेस हुए, ये सारी जो आपकी मेन फिलोसफीज हैं उनका आपको की पता होना चाहिए. फाइन, नाउ कमिंग टू द सिलेबस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, नाउ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मेनली योर एसेंस, डिटरमिनेंट्स, कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये मेनली इसके पार्ट्स हैं. ठीक है, एसेंस, डिटरमिनेंट्स, कंसीक्वेंसेस, और जब आप वो बुक जो मैंने बताई या कोई भी आप बुक पढ़ते हो तो क्लियरली उस चैप्टर में, जब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला चैप्टर होगा, उसमें ये चीजें अलग अलग लिख रखी होंगी कि एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, जैसे सोशल डिटरमिनेंट्स, अपब्रिंगिंग, इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स, पॉलिटिकल डिटरमिनेंट्स, कि कैसे आइडियोलॉजी बनती है, ये सभी डिटरमिनेंट्स बनते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, चाहे वो हमारे नेशनल लीडर्स हों, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर हों, जो पहले के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके एग्जाम्पल काफी फेमस हो चुके हैं, या जो फेमस नहीं है आप उनके अक्रॉस आए हो, वो सब चीजें इसमें आएंगी. रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, जैसे इस बार क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम का जो था, कि दिस कंट्री विल बी करप्शन फ्री एंड विद बी ब्यूटिफुल माइंड्स इफ 3 पीपल मतलब दे डू देयर रोल प्रॉपरली, विच इज फादर, मदर एंड टीचर. तो इसमें आपकी फैमिली सोसाइटी पे जरूर कुछ क्वेश्चन आएगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनकल्केटिंग दी
वैल्यू. सो ऐसे करके जो अलग अलग पार्ट्स कर रखे हैं, इसी से आप इनको डिकंस्ट्रक्ट करके इसके नोट्स बनाओगे कि ग्रेट लीडर्स की कोई बात आ रही है, रिफॉर्मर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्लियरली, फैमिली का रोल, सोसाइटी का रोल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल, ये सब. और फिर एथिक्स का मीनिंग क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, पब्लिक प्राइवेट में क्या डिफरेंशिएट होता है एथिक्स, और एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या ये सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं, क्या ये हाउ इज इट दिस डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स, मतलब मोरालिटी. तो ये जो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई, मतलब आपको खुद दिमाग में समझ आना चाहिए कि एथिक्स होता क्या है और ह्यूमन के एक्शंस में क्या इसका रोल है. दिस इज दैट पार्ट कि एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट कि टू डिटरमाइन वेदर योर एक्शन इज राइट और रॉन्ग. दीज आर सम सोसाइटल नॉर्म्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच अ पर्सन कैन जज दैट वेदर ही हैज टेकन अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन. ठीक है, ये इसमें मेनली आपका एथिक्स की कोर जो डेफिनेशन होगी, डायमेंशन हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए, जो भी प्राइवेट पब्लिक में अलग है वो हो गया, वो सब चीजें. और फिर ये आपकी हो ही गई ग्रेट लीडर्स की, फैमिली की, सोसाइटी की, एजुकेशन की और पब्लिक प्राइवेट हो गया. ये सब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि मान लो हम एथिकल बिहेवियर नहीं रखते तो उसके सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके पर्सनल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो सब चीजें. ठीक, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, देन कम योर एटीट्यूड. तो एथिक्स हमने पहले समझ लिया कि एथिक्स ये है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू दैट वी हैव टू फाइंड एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. देन कम्स योर एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब जो आपके अप्रोच टुवर्ड्स एनी थिंग हो गया, कि जब आप आपकी अपब्रिंगिंग के थ्रू जो आपका एटीट्यूड बनता है, और एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, उसका कंटेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या, उसका फंक्शन है, चाहे वो बिहेवियरल एटीट्यूड हो कि हम कैसे अपने बिहेवियर्स के थ्रू अपने एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो दूसरों के बिहेवियर से कैसे हमारा एटीट्यूड बनता है. इसी में जैसे कॉग्निटिव एटीट्यूड जो आपका परमानेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं. इसका डेफिनेशन अलग होना चाहिए. इट्स इन्फ्लुएंस इन रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर. मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स जो होता है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड आपकी आइडियोलॉजी, मतलब कैसे इस आइडियोलॉजीज के थ्रू या आपका डेमोक्रेसी के थ्रू आपका कैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है. सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, ये कैसे एटीट्यूड से अलग है कि कैसे मान लो कोई सोसाइटल प्रॉब्लम हो, वेदर इट्स फीमेल फिटिसाइड या जो वन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली प्रॉब्लम थी, तो इसमें क्या था कि पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और कैसे पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस से एक इंसान का एटीट्यूड अफेक्ट होता है. यूजुअली एटीट्यूड परमानेंट टाइप होता है क्योंकि इट इज योर जनरल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, बट इट कैन बी मॉडिफाइड. सी आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एथिक्स बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोफेशनल, और जब तक आप इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके पढ़ोगे नहीं तो बहुत जनरल चीजें हो जाती हैं जो हम इन जनरल बातें भी करते हैं कि अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, वो नहीं. इनके कीवर्ड्स और प्रोफेशनल टर्म्स में डेफिनेशन है, वो इस आंसर की डिमांड है. तो आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट कि देर हैज टू बी प्रोफेशनलिज्म इन योर आंसर, देर हैज टू बी कीवर्ड्स, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है इन वर्ड्स की. ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड में भी आप सेम चीजें लिख रहे हो, इंटीग्रिटी में भी सेम चीजें लिख रहे हो, और एटीट्यूड में भी सेम चीजें लिख रहे हो. स्पेसिफिक डेफिनेशन जो आप अपनी किताबों से, रीडिंग से, आपके कोचिंग के मटेरियल से, उनके मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर से, वहां से निकाल के फिर अपना एक कलेक्शन बनाओगे. आई होप यू गेट माई पॉइंट.
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विस. इसमें हो गए आपके कीवर्ड्स, देखिए इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप. इसमें क्या डिफरेंस है कि नॉन पार्टिजन, पार्टिजनशिप मतलब किसी एक पार्टी से एफिलिएशन ना हो, मेनली इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल कोनोटेशन. और इम्पार्शियलिटी मतलब इन जनरल योर न्यूट्रलिटी इन योर एक्शंस, चाहे आप